आम आदमी पार्टी अभी तक अपनी कोशिश के जरिए कहीं ना कहीं चुनौती पेश करती हुई नजर आ रही है। वजह यह है कि आम आदमी पार्टी का जो चुनाव लड़ने का तरीका है और जो दिल्ली मॉडल है, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, जो बेसिक चीजों को उठा रही है, वो एक अच्छी कोशिश है। और वही एक जो अच्छी कोशिश है वो बीजेपी कांग्रेस के लिए एक चुनावी चुनौती बन भी रही है। ये दोनों दल जो है की मोनोपोली थी, जनता इन्हीं को चुनती है क्योंकि जनता के पास कोई तीसरा विकल्प था भी नहीं, तो अब ये एक तीसरा विकल्प बन रहा है। तो एक अच्छी कोशिश के रूप में मैं इसको देखता हूँ। जो मुद्दे हैं आम आदमी पार्टी का, जो एजेंडा है, जो रोड मैप है, उत्तराखंड के अंदर एक सियासी हलचल और उसमें दिलचस्पी पैदा कर दी है आम आदमी पार्टी। और आज एक जो नई घोषणा केजरीवाल ने की है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, आप उन्होंने डिक्लेयर करके बढ़त ले ली है। अरविंद केजरीवाल जो है काफी समय से उत्तराखंड पर उन्होंने अपनी नजर रखी हुई थी, बहुत सारी चीजों को वो बहुत करीब से समझ रहे थे। उत्तराखंड जो है सैनिक बहुबलीय क्षेत्र है, ये हर कोई जानता है। उन्होंने एक सैनिक को ही एक सेना अध्यक्ष के रूप में सामने खड़ा किया और वो इस समय लीड कर रहे हैं। विश्व पर्यावरण मित्र थे सुंदरलाल भगुणा जी, जो दिवंगत हो गए, का उन्होंने जिस तरीके से अपनी विधानसभा में सम्मान किया, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं वो बढ़त ले गए। जिस स्टेट में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहाँ के मुद्दों को, वहाँ के लोगों को और वहाँ की कमजोरियों को अगर आप समझते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। धर्म और आस्था दोनों चीजें उत्तराखंड से जुड़ी हुई हैं और उत्तराखंड का केंद्र बिंदु जो है वो देहरादून है, राजधानी है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने फोकस किया है कि जो चीजें पहले से चढ़ रही हैं, जो धर्म और आस्था यहाँ पहले से स्थापित है, उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो लोगों की भावनाओं को, लोगों के मन को बहुत करीब से समझ रहे हैं। यहाँ की जो बेसिक कमजोरियां हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं, वो पानी, बिजली, सड़क ही है, रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। इस राज्य का जो निर्माण हुआ था, जो इसकी अवधारणा थी, वो सब इन्हीं बेसिक चीजें, इन्हीं मुद्दों को लेकर हुई थी। लेकिन पिछले 21 वर्षों में जितना मतलब हमें जो आगे बढ़ना चाहिए था डेवलपमेंट के क्षेत्र में, हम उतना विकास नहीं कर पाए। इन दो दलों के अलावा को चुनौती देने वाला कोई तीसरा दल भी नहीं था और लोगों के पास विकल्प यही है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। तो अब कहीं ना कहीं ये विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में खड़ी हो रही है। यहाँ हमेशा जो है मुद्दों से अलग हटकर मुद्दों को उछाला जाता था दोनों ओर से, दोनों दलों की तरफ से, और जो बेसिक मुद्दे हैं उन पर बात ही नहीं होती थी। तो कम से कम प्रतिस्पर्धा में, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में आम आदमी पार्टी की दस्तक से कम ये तो हो गया कि अब विकास के एजेंडे पर, विकास के मॉडल पर एक लड़ाई शुरू होगी।